Hello everyone, welcome to Vedikul. Today we will discuss chapter 6, Changes Around Us, class 6th, Science NCERT. So without wasting any time, let's begin. Changes around us, इस वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. आप लोगों ने बहुत सारे चेंजेस डेली ऑब्जर्व किए होंगे. आपने देखा होगा आपके हैंड के नील्स ग्रो करते हैं, फिर हमें उन्हें कट करना पड़ता है. आपके हेयर्स ग्रो करते हैं और आपकी बॉडी ग्रो करती है. आपका वेट गेन, आप वेट गेन करते हो, वेट लूज करते हो. आप पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए, आपकी हाइट बड़ी हो रही है धीरे धीरे. ठीक है, ये सब क्या हैं? चेंजेस हैं हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, और क्या चेंज आप ऑब्जर्व करते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पेपर से बोट बना के बहुत खेला होगा, पेपर से एरोप्लेन बना के बहुत खेला होगा. तो दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज कि आपने पेपर को एक एरोप्लेन में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया. आपने बलून ब्लो किया, बलून को फुलाया, उसके अंदर एयर फिल की, दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज. तो बहुत सारे चेंजेस हैं. इन्हीं चेंजेस को हम इमेजिन करेंगे, मतलब आप इमेजिन करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है. सो फील्ड्स में हमारी जो क्रॉप्स हैं ये चेंज होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. अपने ट्रीज देखे होंगे, उन पर न्यू लीव्स आती हैं, दे गेट फॉल डाउन, फिर उस पर फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स हम तोड़ के खा लेते हैं, है ना. और लीव्स ड्राई हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं, सीजन चेंज होता है तो उस पेड़ पे दोबारा से लीव्स आ जाती हैं. तो वट आर दीज? दीज ऑल आर चेंजेस. तो इन्हीं चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चेंजेस को क्या हम ग्रुप कर सकते हैं? कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि जो रिवर्सिबल है. ठीक है, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पेपर से एरोप्लेन बनाया, तो आप एरोप्लेन को अनफोल्ड कर सकते हो और दोबारा से आपका पेपर आ जाएगा, है ना. आपने बलून में एयर फ्लो की और उस एयर को निकाल दो तो वो बलून दोबारा अपनी शेप में आ जाएगा. सो ऑल दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस, कि हमने उसको रिवर्स कर दिया चेंज को. ठीक है, तो हमने क्या देखा? कि हमने पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया और जब उसको अनफोल्ड किया तो दोबारा पेपर हमें उसी साइज में मिल गया, है ना. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, कि वो वापस हो रहा है. अब क्या है, हम अगर उसी पेपर पे एरोप्लेन ड्रॉ किया आपने और सीजर से कट कर दिया, तो क्या आपको वो सेम पेपर वापस मिल सकता है? यस, नहीं मिल सकता. आपने आटे से रोटी बनाई, मतलब रोटी बनाने के लिए सिर्फ रोल किया, बेला. ठीक है, यहाँ आप देखोगे इस एक्टिविटी में कि आपके पास डो है और डो से आपने बॉल बनाई और उसको बेला. आप इसको दोबारा ख़राब कर सकते हो और बॉल बना सकते हो. आपको इसकी शेप पसंद नहीं आई, आपने इसको दोबारा से बॉल में चेंज कर दिया. सो व्हाट इज़ दिस प्रोसेस? दिस इज़ रिवर्सिबल, है ना. और अगर आपने इसको गैस पे सेक दिया, तवे पर सेक दिया और रोटी बना ली जो कि खाने के लिए तैयार है हमारी चपाती, तो क्या इसको हम वापस डो में चेंज कर सकते हैं? कैन वी चेंज इट इंटू डो? No, we cannot. So this is an irreversible process. हम इसको वापस से डो में चेंज नहीं कर सकते. Therefore, it is a irreversible process. तो आपको दो टर्म्स क्लियर हुई, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल. इस चैप्टर में हमें यही दो टर्म्स क्लियर करनी थी. ठीक है, नाउ सम कॉमन चेंजेस यहाँ एक टेबल में गिवन है. लेट्स सी, रो एग टू बॉइल्ड एग कैन बी रिवर्स्ड? नो, कि आपने उसको बॉईल कर दिया तो क्या अब हम उसको दोबारा कच्चा बना सकते हैं? नहीं बना सकते. बेटर टू इडली, आपने इडली बना लिया और वापस बेटर बना सकते हैं हम उसको? नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स जो थे उनको हमने ड्राई कर दिया तो उनका पानी तो इवेपोरेट हो गया, तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. बट येस, अगर आपने उनको दोबारा पानी में डुबो दिया तो वो वेट हो जाएंगे. सो इट कैन बी रिवर्स, पर सेम वाटर से नहीं होंगे. हमें नई बकेट लेनी पड़ेगी, नया पानी ऐड करना पड़ेगा. वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर, स्वेटर से हमने यार्न को स्वेटर में बनाया. अब ये निटेड स्वेटर वो वाला नहीं है जो मशीन्स वाला होता है ना. ये क्या है, जो हम हाथ से सिलाई करते हैं, जो स्वेटर बनाते हैं, निट करते हैं, बुनते हैं, तो उसको आपने देखा होगा दोबारा से मम्मी पूरा धागा वापस निकाल लेती है ना, तो उसको अननिट कर सकते हैं. सो इट कैन बी रिवर्स्ड, येस दिस कैन बी रिवर्स्ड. ग्रेन टू इट्स फ्लोर, आपने जो गेहूं के दाने हैं, जो ग्रेन्स हैं हमारे, उससे हमने आटा बना लिया, फ्लोर बना लिया, आटा मतलब जो चक्की होती है उसमें आटा पिसवा लिया, तो क्या दोबारा ग्रेन्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते. सो इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस. कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे दूध को आपने गर्म किया तो वापस से गर्म दूध को ठंडा कर सकते हो? सो दिस इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस. दिस इज येस, इट कैन बी रिवर्स्ड अगेन, है ना. Yes, it can be reversed again. Straight string to a coiled string.
स्ट्रेट स्ट्रिंग है उसको कॉइल कर दिया, या फिर कॉइल स्ट्रिंग को आपने दोबारा से स्ट्रेट कर दिया, तो इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। बर्ड टू फ्लावर, जो कली है उससे फूल खिल गया है, तो क्या फूल से दोबारा कली बन सकती है? नहीं बन सकती, इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। मिल्क टू पनीर, मिल्क से पनीर बनाया, पर क्या हम पनीर से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते, सो इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, नो। काव डंग टू बायोगैस, अगेन दिस इज नो। काव डंग से बायोगैस बन गई है, तो क्या हम बायोगैस से काव डंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हम प्रोसेस को। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, आपने रबर बैंड खींच के बहुत बार खेला होगा, तो वो वापस से हम उसको छोड़ देंगे तो वो नॉर्मल साइज पे आ जाएगा, तो इट कैन बी रिवर्स्ड, यस, है ना। आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम आपकी मेल्ट हो गई है, पर वो दोबारा अगर हम उसको फ्रीज करेंगे तो वो दोबारा आइसक्रीम बन जाएंगी, सो इट कैन बी रिवर्स। तो आपने क्या देखा कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कुछ नई प्रॉपर्टीज उसमें आ रही है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, नई प्रॉपर्टीज आ जाती है, सॉरी, जो रिवर्सिबल है मतलब इरिवर्सिबल जो है उसमें नई प्रॉपर्टीज आ जाती है, नई कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। नाउ कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, तो और कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं, हम वो देखते हैं, ठीक है। आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हो कि हाँ, कुछ फार्मिंग टूल्स है, तो इसमें एक वुडन हैंडल है और ये आयरन ब्लेड्स हैं, ठीक है, आयरन के हैं ये और ये वुडन हैंडल है, तो आप क्या सोचते हो कि इतना टाइट इसमें कैसे फिक्स होता होगा? ओके, तो इसको बिल्कुल टाइट फिक्स करने के लिए क्या है कि ये जो रिंग होती है हमारी, ये थोड़ी छोटी होती है साइज में देन द वुडन हैंडल। अब आप सोचोगे अगर रिंग छोटी है और वुडन हैंडल बड़ा है साइज में, तो वो उसके अंदर कैसे जाएगा, है ना, कि वो एक्सपैंड करती है, ठीक है। द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। सो इस रिंग को, ये वाली जो हमारी रिंग है, ये जो रिंग है ये थोड़ी सी छोटी होती है साइज में देन दिस वुडन हैंडल। अब इस वुडन हैंडल को इसमें टाइट फिक्स करने के लिए, कि जब हम इसको यूज़ करें टूल को, तो ये बाहर ना निकले, हम क्या करेंगे, इस रिंग को हीट करेंगे। इसको हीट करेंगे तो जो भी चीज़ हम हीट करते हैं, इट मेल्ट्स, एक्सपैंड, वो एक्सपैंड होती है, अपनी प्रॉपर्टीज लूज़ करती है, ठीक है, थोड़ा लूज़ हो जाएगी वो, और तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वुडन जो वुडन स्टिक है, ये जो वुड है हमारी हैंडल है, वुडन हैंडल, इसको इसके अंदर फिक्स कर देंगे, तब वो इजीली अंदर चला जाएगा। और जैसे ही वो कूल डाउन होगा हमारा, ये मेटल जो आयरन है, ये कूल डाउन होगा, तो इट विल गेट श्रिंक और ये अपनी वापस पुरानी शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से बहुत टाइट हो जाएगा एंड इट वॉन्ट गेट आउट ईजीली, कि वो बाहर जल्दी से नहीं निकलेगा, ओके। तो हमने इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ की, इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी यूज़ की, जिसको हम इसको एक्सपैंड कर सके, बट दिस इज़ रिवर्सिबल क्योंकि ये वापस अपनी शेप में आ गया, है ना। और सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट। वुडन व्हील जो है, ये वुड का व्हील है और इस पर हमें मेटेलिक रिम, ये मेटल की रिम है, इसके ऊपर फिक्स करनी है। तो अब कैसे फिक्स करेंगे, ये जो रिम है ये क्या होगी, छोटी होगी साइज में, अभी इसके अंदर कैसे आएगी, तो हम इसको हीट करेंगे और फिर वुडन व्हील पे चढ़ाएंगे तो वो उस पर फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे, जब हम वाटर को हीट करते हैं पैन में, तो आपने देखा है कि वाटर वेपराइज हो जाता है, वेपर्स बन जाते हैं और वो पानी कम रहने लगेगा। पर अगर आप उसी पैन को कवर कर दो, प्लेट से ढक दो, तो क्या होगा, आपकी प्लेट पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगी, जो वेपर्स है वो बाहर एयर में मिक्स नहीं हो पाए, वेपर्स बन के वो हवा में उड़े नहीं, ठीक है, दिन के ट्राइज अप, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, वो कंडेंस हो गए हैं, ठीक है। सो द वाटर चेंजेस इन टू वेपर, जो वाटर है वो वेपर में चेंज हुआ, एंड यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इन टू लिक्विड वाटर वेन इट इज़ कूल्ड, और वो जैसे ठंडा हो रहा है तो वो दोबारा लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, अगेन इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, कि रिवर्स हो गया ना, गर्म हुआ फिर ठंडा हो गया। सिमिलरली आइस है, आपने आइस मेल्ट की, पानी बना, दोबारा से उसको फ्रीज कर दो तो वो दोबारा से आइस बन जाएगी, तो ये क्या है, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ गिवेन हैं, तो
बर्निंग ऑफ अ कैंडल एक एग्जाम्पल है. अब आपने एक कैंडल की हाइट देखी और उसको बर्न किया तो उसमें से वैक्स निकला. आपने अगर इस वैक्स को कलेक्ट कर लिया और दोबारा उसमें लगाएंगे तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है बर्निंग ऑफ कैंडल, क्योंकि दोबारा हमारी वैक्स जो है वो किसी नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही है. यस, एयर वो फ्यूम से जो उसकी जो बत्ती है ये अंदर जो हमारी विक है ये हमारी जल जाएगी, बट जो वैक्स है ये सेम रहती है ना. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक क्या होती है? अगरबत्ती होती है. आपने देखा है कि जो हमारी अगरबत्ती है वो कम्प्लीटली जल जाएगी, पूरे रूम में हमारे धुआं धुआं हो जाएगा, पूरा स्मोक हो जाएगा, पूरी स्मेल हो जाएगी, है ना. पर क्या हम उस स्टिक को वापस ला सकते हैं जैसे हम कैंडल को ला सकते हैं, क्योंकि कैंडल का तो वैक्स हमने कलेक्ट कर लिया और दोबारा से उससे कैंडल बना ली. पर क्या हम इंसेंस स्टिक से बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि वो पूरी बर्न आउट हो गई है. सो इट इज़ एन इररिवर्सिबल प्रोसेस, उसको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हुई? सम ऐश एंड सम गैसेस. आप देखोगे जब वो इंसेंस स्टिक बर्न हुई तो कुछ ऐशेज फ्लोर पे या जहाँ पे भी आपने बर्न किए वहाँ पे पड़ा हुआ मिलेगा. ऐश क्या है? जो थोड़ी सी राख टाइप मिलेगा. मैच स्टिक को बर्न करो, मैच स्टिक को बर्न किया, क्या हम दोबारा उस मैच स्टिक को लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते. क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? वो ऐश बना है, वो बिल्कुल ऐश में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है. सो ऐसे ही एग्जाम्पल से हमने देखा कि जो हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं हमने उनको दो कैटेगरीज में ग्रुप किया, आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. इन्हीं चीज़ों को आप हाइयर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे. एंड विद दिस अवर चैप्टर इज कम्प्लीट. आई होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इट. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.